हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सुभाष चंद्र अकेडमी ई लर्निंग क्लासेज होप यू ऑल आर डूइंग वेल येस स्टूडेंट्स प्लीज कम टू नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर थर्टीन मुंबई द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया यस हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में दिल्ली के बारे में डिस्कस किया था अब हमारी नेक्स्ट जो सिटी है वो मुंबई सिटी है अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है ये yes, स्टूडेंट्स मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई जो सिटी है वो हमारे महाराष्ट्र सिटीज़ की कैपिटल है मींस राजधानी है इट वाज़ नोन एज बॉम्बे 1995 1995 से तक मुंबई को बॉम्बे सिटी बॉम्बे के नाम से जाना जाता था ठीक है जाना उसका नाम जो था वो बॉम्बे था पहला पुराना नाम जो था 1995 तक उसको लोग बॉम्बे के नाम से जानते थे फिर उसके बाद 1995 के बाद लोग उसे मुंबई के नाम से जानने लगे ठीक है मुंबई लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड फेस द अरेबियन सी मुंबई जो है वो पश्चिमी तट पे स्थित है ठीक है और उसका सामना उसका फेस जो है वो आपका अरेबियन सी मीन्स अरब सागर के से होता है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया ठीक है ये जो है बहुत ही बहुत बड़ा शहर है पॉपुलेशन के भी मामले में बाकी चीज़ों के भी मामले में ठीक है द सिक्स मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड ठीक है ये आ, इसका जो स्थान है वो छठा स्थान है वर्ल्ड्स में ठीक है मुंबई इज ऑल्सो द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई जो है वो हमारी कॉमर्शियल कैपिटल भी है हमारे भारत की कॉमर्शियल कैपिटल भी है ठीक है यस yes. वाणिज्यिक राजधानी जिसको हम बोलते हैं द इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द रेसिडेंस ऑफ द गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड द एंड अदर मिनिस्टर्स आर इन मुंबई यस आपको मैं बता दूं कि जो मुंबई में जिस की गवर्नमेंट चलती है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है तो वहाँ, वहाँ, वहाँ पे किसका किसका रेसिडेंस है किसकी आवाज है ठीक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स द गवर्नर गवर्नर का है चीफ मिनिस्टर रहते हैं एंड मिनिस्टर्स ऑल्सो ठीक है मंत्री वगैरह सेवन आइसलैंड कॉन्स्टिट्यूट द सिटी ऑफ मुंबई यस जो वहां पे सात महाद्वीप हैं मुंबई में सात महाद्वीप से उसका ग्रो अप होता है उभार होता है इट वॉज डेवलप इन टू अ सिटी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द पॉर्चुगीज इसका डेवलपमेंट इसका उभार इस, इस इसके बारे में लोग कब से जाने जब पुर्तगालियों का इस पर पहली बार आक्रमण हुआ फिर उसके बाद से इस, इस शहर के बारे में लोग और जानने लगे ठीक है मुंबई गॉट इट्स नेम मुंबई को उसका नाम किसके फ्राम द लोकल गॉडेज मुंबा देवी जो वहाँ की लोकल गॉडेज हैं मतलब वहाँ की जो देवी हैं मुंबा देवी उनके नाम से इस शहर का नाम पड़ा मुंबा देवी के नाम से मुंबई पड़ा ओके द क्लाइमेट ऑफ मुंबई मुंबई का क्लाइमेट कैसा है मौसम कैसा है मुंबई हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट ठीक है मुंबई का जो मौसम है वो मॉडरेट टाइप है मींस मध्यम स्तर का है इट इज वॉर्म एंड ह्यूमाइंड इन समर एंड मॉडरेटली कोल्ड इन विंटर ठीक है वहाँ का जो मौसम है वो स, जैसे सप सपोज समर है तो नॉर्मल गर्मी रहती है हल्की गर्मी रहती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब जैसे लू लू वगैरह जो चलती हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं रहती हैं वहाँ पे और कोल्ड uh, में हल्का uh, जाड़ा रहता है हल्का ठंडा रहता है ठीक है ठंड पड़ती है ठीक है द सिटी नॉर्मली रिसीव रेन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर जो ये शहर है उसको वर्षा जून से लेके सितंबर मंथ्स तक क्या होता है हल्की हल्की बारिश वहाँ पे मिलती है ठीक है तो ये वहाँ का क्लाइमेट है मौसम है द स्पिरिट ऑफ मुंबईकर्स ठीक है वहाँ पे मुंबईकर्स की की भावना क्या है वहाँ के लोगों का नेचर क्या है चीज़ें क्या है आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं द पीपल ऑफ मुंबईकर्स मुंबई आर कॉल्ड मुंबईकर्स जो लोग मुंबई के लोग होते हैं उनको मुंबईकर्स बोलते हैं मुंबईकर्स ठीक है जैसे वाराणसी में जो रहते हैं लोग बनारस में जो लग रहते हैं उनको जिससे बनारसी के नाम से बोलते हैं कि ये बनारसी आदमी है ठीक है वैसे ही मुंबई के लोगों को हम लोग मुंबईकर्स बोलते हैं ठीक है द सिटी हैज़ अ कॉस्मोपोलिटन कल्चर ठीक है वो आ, स, स, जो वहाँ का कल्चर है वो सर्वदेसी है मतलब सभी स, देशों के कल्चर को वो फॉलो करता है सभी देशों के रीति रिवाजों को वो फॉलो करता है ठीक है पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स बिलीफ एंड कल्चर्स कोस्टिक ठीक है इन मुंबई वहाँ के जो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र के लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं वो वहाँ के कल्चर्स uh, को एक साथ मानते हैं मुंबई में जो कल्चर्स uh, होती हैं उनके एक साथ वो लोग फॉलो करते हैं मानते हैं ठीक है मराठी हिंदी एंड कोंकणी आर द मेजर लैंग्वेज स्पोकन हीयर जो मुंबई का मेजर लैंग्वेज है प्रमुख uh, जो वहाँ की भाषा है वो आपकी मराठी हिंदी और कोंकणी है ठीक है भीलपुरी पानीपुरी एंड पाव भाजी एंड वड़ा पाव आर द फेवरेट फूड आइटम्स इन मुंबई जो मुंबई का भीलपुरी पूरी होता है पाव भाजी पानीपुरी एंड वड़ा पाव ये वहाँ के फूड फेवरेट फूड आइटम्स हैं फेमस ठीक है, है? मुंबई के तो ऑल मेजर फेस्टिवल लाइक दिवाली होली क्रिसमस एंड ईद आर सेलिब्रेटेड हीयर ठीक है गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन दिस सिटी यस देखिए यहाँ पे जैसे बाकी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं होली दिवाली क्रिसमस ईद ये सभी फेस्टिवल्स वहाँ पे प्रमुख हैं वहाँ के त्योहार ठीक है और स्पेशली uh, वहाँ का प्रमुख स्पेशल जो फेस्टिवल है वो गणेश चतुर्थी माना जाता है ठीक है गणेश चतुर्थी लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं बहुत ही उसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है मुंबई में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्टैचूज़ uh, uh, गणेश जी की uh, बनाई जाती हैं मतलब रखी जाती हैं उनको स्थापित किया जाता है और फिर uh, उनको उनका विसर्जन होता है बहुत ही धूमधाम से तो ये uh, फेस्टिवल जो है कि मुंबई का फेमस फेस्टिवल है येस प्लीज़ कम टू नेक्स्ट पेज कॉमर्शियल कैपिटल, यस कॉमर्शियल कैपिटल हमारा वाणिज्यिक वाणिज्यिक राजधानी है ये जो मुंबई है किस पर्पज़ पे ये हमारे लिए कॉमर्शियल है मतलब उसका क्या हमारे कंट्री हमारे देश को किस टाइप का वो बिजनेस देता है किस टाइप की चीज़ें प्रोवाइड करता है वो क्या है आइए हम लोग देखते हैं मुंबई इज़ द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया जो भारत का रिचेस्ट सिटी माना जाता है मतलब महंगा शहर और अमीरों वाला शहर वो आपका मुंबई है ठीक है इट इज नोन फॉर द इट्स इंडस्ट इंडस्ट्रीज ठीक है इसको किसके लिए जाना जाता है इंडस्ट्रीज के लिए मतलब उद्योग के लिए जाना जाता है टेक्सटाइल एंड पेट्रोकेमिकल आर द मेजर इंडस्ट्रीज हेयर यहाँ पे टेक्सटाइल uh, मीन्स कपड़े का उद्योग एंड पेट्रोकेमिकल ठीक है ऑयल संबंधित पेट्रोकेमिकल आर द मेजर इंडस्ट्रीज वहां पे इसकी प्रमुख उद्योग हैं ठीक है थीके? इट हैज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया भारत का सबसे बड़ा पोर्ट जो है आपका मुंबई का है मुंबई में है ठीक है एंड ऑयल फील्ड बंदरगाह जिसको पोर्ट को बंदरगाह बोलते हैं एंड ऑयल फील्ड नेम्ड बॉम्बे हाई इज वन सिक्सटी किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई ठीक है जो वहाँ का ऑयल फील्ड है मींस तेल का मैदान जिसको हम बोलते हैं ऑयल फील्ड जहाँ से वो पेट्रोकेमिकल हमें मिलता है उसका जो वो मुंबई से से 160 सिक्सटी किलोमीटर्स दूर है ठीक है पेट्रोलियम इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सी बेड हीयर ठीक है वहाँ के समुद्र तल से वो पेट्रोकेमिकल निकाला जाता है पेट्रोलियम निकाला जाता है ठीक है मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज़ इज़ कॉल्ड बॉलीवुड जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज़ है यू नो वेरी वेल आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मुंबई को फिल्मों का शहर कहा जाता है ठीक है मुंबई इज़ द फिल्म इंडस्ट्रीज़ इज कॉल्ड बॉलीवुड वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसको बॉलीवुड के नाम से जानते हैं इट इज़ द कंसिडर्ड द हॉलीवुड ऑफ इंडिया वो हॉलीवुड की तरह है हॉलीवुड भी बोला जाता है उसको वो मतलब अपनी भारत का वो हॉलीवुड है ठीक है मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म ज्यादातर यहाँ के जो हिंदी मूवीज हैं वो वहीं पर शूटिंग की गई है उसकी शूटिंग जो हुई है शूट वहीं किया गया है द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया वॉज बिटवीन मुंबई एंड थाने इन एटीन फिफ्टी थ्री जो पहली रेल सेवा शुरू की गई थी वो मुंबई से थाने तक के लिए स्टार्ट की गई थी एटीन फिफ्टी थ्री में ठीक है मोस्ट पीपल हेयर डिपेंड ऑन लोकल ट्रेन फॉर ट्रांसपोर्ट लोग यातायात के लिए के साधन जो है वहाँ पे मुंबई में जो ट्रांसपोर्ट है वो लोकल ट्रेन वहाँ पे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है लोगों को डेली आने जाने के लिए लोग उस पर ज़्यादा डिपेंड हैं जैसे हम लोग अपने सिटीज़ में लोकल व्हीकल्स पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं ऑटो रिक्शा ठीक है आ, बाकी चीज़ों पे टैक्सी वगैरह पे तो वैसे ही वहाँ की लोकल ट्रेनें इसके लिए फेमस हैं ठीक है द फेमस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन मुंबई इज़ वन ऑफ द बिजस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया यस जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस करके मुंबई का वो सबसे बिजी रेलवे स्टेशन हैं बहुत आ, ही बिजी रहता है वो रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यस वहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मीन्स जहाँ से लोग प्लेन फ्लाइट वगैरह लेते हैं वो मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम जो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका इर्लियर नोन एज सहार एयरपोर्ट उसको पहले पूर्व में पहले उसका नाम जो था शहार एयरपोर्ट के नाम से वो जाना जाता था इन मुंबई इज द बिजेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया वो भी मुंबई का जो है सबसे बिजी मतलब व्यस्त रहने वाला एयरपोर्ट है ठीक है मेनी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ठीक है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वहाँ पे फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका शॉर्ट नेम बी ए आर सी है बी ए आर सी का फुल नेम अगर बोले तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आई आई टी बॉम्बे एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आर सिचुएटेड इन मुंबई ठीक है जो आई आई टी बॉम्बे है और टाटा इंस्टीट्यूट है ऑफ सोशल साइंस वो भी मुंबई में स्थित है यस प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंट्स इन मुंबई जो वहाँ के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं मुंबई के क्या हैं आइए देखते हैं मुंबई हैज़ मेनी प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस जो पीपल पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री कम टू विज़िट दैम ठीक है जो वहाँ के प्रमुख स्थान हैं जिसको लोग बाहर से देखने के लिए बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और हमारे मुंबई के फेमस uh, प्लेस को वो देखते हैं गेट वे ऑफ इंडिया सबसे पहला हमारा जो फेमस प्लेस है वो गेट वे ऑफ इंडिया है द गेट वे ऑफ इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मुंबई वो मुंबई का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है प्रमुख स्थान है इट वॉज ब्यूल्ड टू मार्क द विजिट ऑफ द ब्रिटिश मोरॉक किंग जॉर्ज वी टू इंडिया इन नाइनटीन इलेवन ठीक है इसे ब्रिटिश uh, सम्राट किंग जॉर्ज वी के लिए भारत यात्रा के लिए बनाया गया था ठीक है भारत यात्रा करने के लिए उनके लिए जो हमारे ब्रिटिश सम्राट थे किंग जॉर्ज वी उनके लिए ये 19, लिएवन में तैयार किया गया था द स्टैचू ऑफ शिवाजी एंड स्वामी विवेकानंद नियर द गेट वे ऑफ इंडिया अट्रैक्ट मेनी विजिटर्स यस वहां पे गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट मतलब बगल में स्टैचू है शिवाजी और आ, विवेक स्वामी विवेकानंद जी का ठीक है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है बहुत ही अट्रैक्टिव uh, मतलब लोगों को आकर्षित करता है जितने भी विजिटर्स आते हैं देखने वाले लोग आते हैं उनको काफ़ी वो अट्रैक्ट करता है यस प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज ठीक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस क्या है ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वॉज इर्लियर नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है उसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानते थे जाना जाता था इट वॉज ब्यूल्ट इन 1887 टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ़ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन जो ब्रिटेन की महारानी थी उनकी गोल्डन जुबली पे उनके स्वर्ण जयंती पे ये बनाया गया था 1887 में यस जूहू बीच ज द फेमस बीच ऑफ मुंबई जुहू बीच इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच इन मुंबई ठीक है ये मुंबई का सबसे फेमस बीच है जूहू बीच इट इज सिचुएटेड ऑन द सी इन जूहू सब ये जूहू सब एरिया के सी पे ये स्थित है ठीक है एलिफेंटा केव्स एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं एलिफेंटा केव्स डेट बैक टू फिफ्थ सेंचुरी ये पांचवी शताब्दी कि ये गुफाएं हैं बनी हुई हैं दे आर सिचुएटेड एट द एलीफेंटा आइसलैंड ये एलिफेंटा आइसलैंड में स्थित है विच इज़ टेन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द गेट वे ऑफ इंडिया ये गेट वे ऑफ इंडिया से दस किलोमीटर दूर है ठीक है इसकी जो डिस्टेंस है वो टेन किलोमीटर्स दूर है गेट वे ऑफ इंडिया से चौपाती बीज ठीक है चौपाटी बीच जो है वो फेमस बीच है वो भी फेमस बीच है मुंबई का चौपाटी इज़ अ फेमस बीच इन मुंबई मेनी पीपल विजिट इट एवरी डे इट इज़ फेमस फॉर भेलपुरी यस yes, जो ये बीच है ये भेलपुरी आ, आप लोग खाए होंगे सुना भी होगा ये भेलपुरी के लिए ज़्यादा फेमस बीच है मतलब वहाँ की जो भेलपुरी मिलती है काफ़ी टेस्टी होती है ठीक है ये उसके लिए और ज़्यादा फेमस है नेक्स्ट आपका आता है विक्टोरिया गार्डन ठीक है विक्टोरिया गार्डन वॉज द ओल्ड नेम ऑफ रानी जीजा माता उद्यान इन मुंबई जो विक्टोरिया गार्डन है उसका जो पुराना नाम था वो रानी जिज माता उद्यान के नाम से फेमस है ठीक है uh, के नाम से जाना जाता था पहले इट इज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन वेयर पीपल कम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय ये बहुत ही ब्यूटिफुल बहुत ही सुंदर गार्डन है ठीक है बगीचा है जिसमें लोग रिलैक्स मतलब अपने आप को थोड़ा सा आराम करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए यहाँ आते हैं अदर इम्पोर्टेंट प्लेस इन मुंबई आर हैंगिंग गार्डन मरीन ड्राइव एंड कमाला पार्क इज द फेमस इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मुंबई यस आई होप कि आप लोगों को मुंबई की ये सैर और जो हम लोगों ने अभी जर्नी की है काफी इंटरेस्टिंग रही और ऐसे ही हम लोग अब इसके एक्सरसाइज के तरफ चलते हैं उसमें क्या चीजें पूछी गई हैं आइए हम लोग डिस्कस करते हैं यस क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ए है कंप्लीट द फॉलोइंगीप चार्ट्स मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन मुंबई यस यू नो वेरी वेल मराठी हिंदी एंड कॉन्क्री इज द फेमस लैंग्वेज इन मुंबई ठीक है ये फेमस लैंग्वेज है मुंबई का ठीक है ये प्लीज कम टू नेक्स्ट ने क्वेश्चन नंबर बी टेक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन मुंबई मुंबई का मोस्ट फेस्टिवल क्या है पोंगल ओणम या गणेश चतुर्थी यस गणेश चतुर्थी इज द फेमस फेस्टिवल ऑर इन मुंबई क्वेश्चन नंबर टू मुंबई इज द कैपिटल ऑफ यस मुंबई किसकी कैपिटल है महाराष्ट्र मुंबई जो कैपिटल है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है ठीक है ओके प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज ब्लैंक्स इज द फेमस बीच इन मुंबई विच बीच इज फेमस इन मुंबई जुहू बीच यस जुहू बीच इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया वॉज बिटवीन मुंबई एंड मुंबई जो पहली रेल सेवा शुरू की गई थी वो मुंबई से थाने के लिए शुरू की गई थी यस क्वेश्चन नंबर फाइव मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज इज नोन एज जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज है उसको किस नाम से जानते हैं हॉलीवुड टॉलीवुड या बॉलीवुड यस बॉलीवुड के नाम से जानते हैं ठीक है come to next question question number C filling the blanks filling the blanks type questions है question number one Mumbai is known as the of India Mumbai को हम किसके नाम से किस नाम से और मतलब जानते हैं किसके लिए वो famous है Mumbai is the known as the commercial capital वो हमारे uh, country का हमारे uh, भारत का वो commercial capital है ठीक है blanks एयरपोर्ट इन मुंबई इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन मुंबई बताइए मुंबई इन इन इंडिया ठीक है भारत में भारत का जो सबसे बिजी एयरपोर्ट है वो मुंबई का एयरपोर्ट है ठीक है जिसका नाम क्या है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यस क्वेश्चन नंबर थ्री छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वॉज इर्यर नोन एज जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है उसको पहले किस नाम से जानते थे विक्टोरिया टर्मिनस किसके नाम से जानते थे विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानते थे क्वेश्चन नंबर फोर मुंबई वॉज इर्लियर कॉल्ड मुंबई को पहले क्या बोला जाता था बॉम्बे इट्स कॉल्ड अ बॉम्बे ठीक है द न्यू नेम ऑफ विक्टोरिया गार्डन इज विक्टोरिया गार्डन का नया नाम क्या है रानी जिज माता उद्यान ठीक है जिज माता उद्यान के नाम से वो जाना जाता है आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई और ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप लोग रिवाइज़ करेंगे लर्न करेंगे ओके गुड डे ऑल ऑफ़ यू